हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का एटो सीरीज घटना चक्र के द्वारा जो निकाला गया है, और इसमें 10 अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, तो उसी को हम देखने वाले हैं। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट को एक साथ एक वीडियो में घटना चक्र का ये पेट जो टो सीरीज होगा, एक साथ सभी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, लगभग 5 से 6 घंटे का ये जो है वीडियो होगा, या 7 घंटे भी हो सकते हैं वीडियो के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी इसका फ़ायदा जो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, घटना चक्र की बुक से लिया गया है और इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट जो है दिए गए हैं वो 10 हैं, 10 को हम साथ में देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे जो जीके के पोर्शन होंगे वही सब, ठीक है, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये पोर्शन हम इसमें देखने वाले हैं। मैथ के पोर्शन को हम छोड़ेंगे, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल में लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। अतरंजी खेड़ा जो है पुरातात्विक स्थल, तो ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतरंजी जो खेड़ा है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके हम जो है एक बात और, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को डिटेल में जो होगा वही किया जाएगा, डिटेल में जो करने लायक होगा, ठीक है। बाकी अगर हम सबका डिटेल करेंगे तो और ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो, इसलिए जो इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करते चले जाएंगे। प्रैक्टिस सेट है तो क्वेश्चन का आंसर करते चले जाएंगे, ठीक है। अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश किस जिले में, तो एटा जिला है, वहाँ पर यह जो है अतरंजी खेड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया है। तो राज्याभिषेक जो समारोह है इसका विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने शॉर्ट नोट्स में कराया है, जो कि पेट के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। धर्म से संबंधित जितने भी उसमें टॉपिक हैं सारे के सारे कवर करा दें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, शैव धर्म, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बादशाही मस्जिद जो है ये कहाँ पर है, ये लाहौर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था ये बताना है। तो ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। आंसर इसका राइट जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह कौन था, या मुगल सम्राट कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड उसको कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हें जफर के नाम से भी जानते, जफर के नाम से एक कविता लिखते थे। तो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो बहुत ही पेट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। और इन्होंने जो 1887 ईस्वी में मद्रास में तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस अधिनियम को मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वो अधिनियम का नाम है, क्या नाम है उसका, राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, इसको मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में, ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है चंपारण सत्याग्रह, विभाजन, बंगाल का और जलियावाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा, फिर कौन सा हुआ था, ठीक है। तो देखिए, चंपारण जो सत्याग्रह है ये हुआ था 1917 में, कब हुआ था, 1917 में हुआ था। इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो जब बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और जलियावाला कांड जो हत्याकांड है ये हुआ था 1919 में। तो कालानुक्रम अनुसार देखेंगे तो 1917-1905 यानी कि दूसरा, यानी पहला हो जाएगा बंगाल का विभाजन, इसके बाद होगा 1917 यानी कि चंपारण विद्रोह, फिर होगा थर्ड जलियावाला बाग। तो ये हो जाएगा आपका सी पार्ट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन से, तो वो थे एन जी रंगा, कौन बने थे, एन जी रंगा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था।
तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगा हुआ है वो इनमें से देखा जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगा हुआ लंबा है, तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों और संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? गिर, राजस्थान, रणथंबोर, महाराष्ट्र, केबल, लामजाओ, मणिपुर या साइलेंट वैली, कर्नाटक। कौन सा इसमें से जो युग्म है वो सही है? तो सही युग्म की बात करेंगे तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, केबल लामजाओ जो है ये मणिपुर में स्थित है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गिर जो है ये गिर कहाँ पर है, गुजरात में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और रणथंबोर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, और साइलेंट वैली ये कहाँ पर है, ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो इसमें से बताना कि कौन सा जो है बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम में लिखा हुआ है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो जो हम पढ़ते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो वही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 90 ईस्ट इज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर, स्थित एक कटक का नाम है, तो हिंद महासागर में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, अगले क्वेश्चन में बात करना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष बने हैं? सेबी के अध्यक्ष जो वर्तमान में, उनका नाम है माधुरी पुरी बुच। क्या नाम है, माधुरी पुरी बुच। ठीक है, अगला प्रश्न, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ ज़्यादातर? तो उद्योग जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़्यादातर विकसित हुआ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट ए पार्ट हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो उसका बैंक नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भाग चार में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, राइट है, सॉरी भाग चार में नहीं, भाग तीन में है। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार भाग तीन में सम्मिलित है, जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिकता संहिता से संबंधित होता है, तो आंसर अनुच्छेद 44 हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? तो उसमें जोड़ा गया था भाग 9। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, भाग 9 ए पार्ट, और भाग 9 जो संबंधित है पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक, तो पारसेक जो होता है ये लंबाई या दूरी के मापन की इकाई होती है, तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, दूरी। एक सीधी सड़क पर कार की गति का किसका उदाहरण है? तो एक सीधी सड़क पर कार की किसी वाहन की गति जो होती है वो रेखीय गति का उदाहरण होता है, तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? एक तत्व के समस्थान, तो किसी तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो किसी तत्व के आइसोटोप्स में समस्थानिक में प्रोटानों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और अगर हम बात करें तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, और समस्थानिकों की जो है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक की बात करेंगे तो मेंडल को कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद रक्त ओ या ओ प्लस वाले व्यक्ति क्या होते हैं, सर्वदाता होते हैं। यह हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ से है इसको आप लोग के लिए, दूसरा भी है इसी तरीके, तीसरा भी है। और अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है इनमें से। ठीक है, इसका मैं PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से मैथ के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें मैं GS और हिंदी और इंग्लिश की बातें करने वाला हूँ सारे के सारे प्रैक्टिस में। तो 36 का कौन सा इसमें सही है राइट आंसर, तो वर्तनी रूप से देखा जाएगा तो डी पार्ट का जो वर्तनी लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, बीरो का कहो कैसा बसंत, ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग करेंगे, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है अप्रत्याशित, क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित। ठीक है, और जिसे बुलाया गया हो, बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहूत, अनाहूत। ठीक है, अनाहूत को क्या कहेंगे, जिसे बुलाया ना गया हो। अकाल का पर्यायवाची पूछा गया, तो अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष, क्या होता है, दुर्भक्ष, कुकाल, ये सब भूखमरी, ये सब अकाल के पर्यायवाची हैं। आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का विलोम होता है पाताल। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब एक पैसेज दिया है, पैसेज के ऊपर पढ़ के इसके बाद इसका आंसर देना है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। पोस्ट रिलेटेड टू व्हिच टॉपिक्स डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, अब इसमें बताना है कि गद्यांश के अनुसार, पैसेज के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, फूड। ठीक है, व्हाट हैज द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अटेंडेंट गिवन 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक, ये इस पैसेज के द्वारा मेंशन किया गया है, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज पेज इज रिलेटेड टू चॉकलेट, माने कि कौन सा पेज जो है इसमें रिलेटेड है, चॉकलेट से संबंधित है पैसेज के अनुसार, तो 43 का आंसर हो जाएगा अर्थ लूफ, क्या हो जाएगा, अर्थ लूफ, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स बताना है फॉलोइंग वर्ड्स का, अलार्म का सिनोनिम्स क्या होता है, अलार्म का सिनोनिम्स होता है अलार्म में संकट, सूचना, घंटी, चेतावनी, ये सब अलार्म होता है। इसका जो पर्यायवाची होता है, सिनोनिम्स होता है, वो होता है पैनिक। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, पैनिक। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स माने कि विलोम शब्द बताना है, कंप्लीट का विलोम शब्द क्या होगा, तो कंप्लीट माने संपूर्ण, पूरा या पूर्ण होता है, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा पार्शियल यानी कि आधा अधूरा, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द चयन करना है, प्रफुल्लित का उदास हो जाएगा, तो शांत करना का क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार प्रफुल्लित का विपरीतार्थक शब्द उदास है उसी प्रकार शांत करने का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा भड़काना, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मदर को इस में लिखा जाता है, और इसके बाद उसी कूट भाषा में इसका क्या होगा कोड, ये बताना है। ठीक है, देखिए इसमें हम एम में एक घटाएंगे तो क्यू आ जाता है, सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, एम में अगर हम एक घटाते हैं तो एल आता है, ओ में एक घटाते हैं तो एन आता है, टी में एक घटाते हैं तो एस आता है, और एच में एक घटाते हैं तो जी आता है, एच में एक घटाते हैं तो डी आता है, और आर में एक घटाते हैं तो क्यू आता है। तो इस तरीके से एक एक घटा रहे हैं सब में, तो उस तरीके से कोड मिलता जा रहा चला जा रहा है, तो इसमें से भी हम एक एक करके घटाएंगे और ये जो होगा इसका अंतिम होगा, इस तरीके से चला आएगा। ठीक है, तो एस में अगर हम एक घटाएंगे तो क्या होगा, आर होगा, तो आर इसमें ही दिया गया, बाकी तीन में नहीं दिया गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, बाकी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम की पत्नी जो है, एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है। ठीक है, एन की पुत्र वधू बताना है, तो एन की इस क्या है पुत्र वधू मान लेते हैं। ठीक है, एम है, ये पुत्र वधू है। ठीक है, एम हो गया। इसके बाद बता, पी ओ का पति है, ओ का पति है पी। ठीक है, तो पी ओ का पति है तो वो मान लेते हैं, इधर हो गया, और ओ का पति क्या होगा, पी हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो एम की बहन है, तो ओ जो है एम की बहन है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन के से क्या संबंध है, ये हो जाएगा जो है एम की पत्नी, एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, एम की पत्नी एन
ठीक है, एम की पत्नी एन है, तो एन जो है वो पुत्र वधु है किसकी, ओ की, ठीक है, ये हो जाएगा पुत्र वधु। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पी एन का क्या हो जाएगा, पी जो है एन का क्या हो जाएगा, पी एन का दामाद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पति बेटी हो जाएगी ओ एन की, और बेटी हो जाएगा, बेटी का पति जो होता है वो दामाद होता है, तो आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 31 जनवरी 2007 को पूछा गया है सप्ताह का दिन। देखिए कोड होता है कि जो महीना होता है उस महीने के लिए कोड होता है, जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, मार्च अप्रैल के लिए 6, ठीक है, इस तरीके से कोड होता है। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, और वर्ष के लिए कोड होता है अगर 1600 है तो 6, 1700 है तो 4, 1800 है तो 2, 1900 है तो 0, और 2000 है तो 6। तो यहाँ पे 2007 है तो 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 7/2007 है ना, तो 7/4 करेंगे तो यहाँ पर एक लीप वर्ष भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, तो माह की तारीख कितनी है, 31 प्लस माह का कोड क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, 0 है माह का कोड, इसके बाद प्लस फिर क्या कर देंगे, वर्ष का कोड 6 है, इसके बाद वर्ष के अंतिम दो अंक शताब्दी की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 है। ठीक है, और इसके बाद लीप वर्ष की संख्या 1 है, तो इन सब को जोड़ के 7/7 से डिवाइड कर देंगे तो जो मान आएगा कितना हो जाएगा, इनका जोड़ेंगे तो 7 × 1 = 8, 6 = 14 और 31 = 14 हो जाएगा 45। 45/7 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 6 = 42, 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल मीन्स शून्य शेषफल को माना जाता है रविवार, और तीसरा शेषफल क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बुधवार। ठीक है, 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, बुधवार था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिए गए शब्द हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है, असमान शब्द का चयन करना है, बताना है कौन सा इसमें से असमान है। ठीक है, तो देखिए त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान और कवक विज्ञान। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो हृदय रोग, वृक्क और हृदय त्वचा वृक्क और हृदय रोग, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मनुष्य से संबंधित एक शाखाएँ हैं, और जो कवक है वो इसके अंतर्गत कवको यानी कि कुकुरमुत्ता है जो बस म्यूकस आदि का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए डी क्या हो जाएगा, इन सबसे भिन्न हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, तो कौन सा विमानवाहक पोत है वो, तो देखिए 10 जुलाई 2022 को स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का जो है समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट INS विक्रांत। जुलाई 2022 में भारत प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है, इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अग्रदूत जो समाचार पत्र है किस भाषा में प्रकाशित होता है, तो अग्रदूत समाचार पत्र जो है ये असमिया भाषा में प्रकाशित होता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है, ये विकल्प में से कौन सा इन 3 बैंकों में से शामिल नहीं है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को जैसे उसमें है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक को विदेशी खरीद वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है, और कोटक महिंद्रा उसमें से नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये डी पार्ट हो जाएगा, कोटक महिंद्रा। जुलाई 2022 में कौन सा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, तो जुलाई 2022 में भाजपा के राहुल नार्वेकर को जो है 164 मत प्राप्त कर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, राहुल नार्वेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांत सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वैश्विक शांत सूचकांक में भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत 135वें स्थान पर है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 135। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मार्च 2022 के मध्य जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट
समिट 2022 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरुआत किया गया, तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो है ये केरल राज्य में शुरुआत किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम दिया गया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम जो है सीटीबी के नाम से रखा गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी बी पार्ट हो जाएगा, सीटीबी। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है, म्यांमार क्यात, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, घुमरा लोक नृत्य कहाँ का है, तो घुमरा लोक नृत्य जो है ये उड़ीसा का है, राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सार्क का सचिवालय पूछा गया कहाँ पर है, तो सार्क का सचिवालय की बात करेंगे तो काठमांडू नेपाल में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में सार्क की स्थापना किया गया था, और सार्क मीन्स होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित समारोह में कर्नाटक की सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस ये कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है 29 जून को मनाया गया, तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 29 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जो है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा रचित है, लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखा गया विनोद राय के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विनोद राय। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया देश के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश है उसमें 71 से 75, तो गद्यांश को पढ़कर जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश पढ़ लीजिएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय की बात करेंगे तो अक्कड़ जो इसमें है जो प्रत्यय हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था इस गद्यांश के अनुसार, तो गद्यांश के मध्य में वर्णित है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में संधि की बात करेंगे तो स्व प्लस छंद बनता है, जो कि यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी, महात्मा बुद्ध में जब बुद्ध का ज्ञान हुआ इन्हें तब इनकी अवस्था 35 वर्ष की थी, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, श्रुति धर्म पूछा गया तो इसका अर्थ हो जाता है, श्रुति को वेद कहा जाता है, अर्थात श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से हो जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 से 80 भी गद्यांश को ही पढ़कर जो है क्वेश्चन का आंसर देना है, तो गद्यांश पढ़िएगा, आंसर देखते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है, तो शून्य के बारे में अगर देखा जाएगा तो गद्यांश से स्पष्ट होता है कि शून्य मानव जनित आविष्कार है, और इसमें जो है अगर देखा जाएगा तो ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, इसकी अवधारणा अमूर्त है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है, तो संख्याओं के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो शून्य एक से छोटा है, इसलिए इसकी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। ठीक है, शून्य क्या है, एक से छोटा है, यह अवधारणा समझानी बहुत कठिन है। विश्व में सबसे पहले पहल शून्य को संख्या के रूप में किसने मान्यता दिया, तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, लेकिन सबसे पहले शून्य की संख्या के रूप में भारत ने ही मान्यता दिया था, तो राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार एक वास्तविकता है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो गद्यांश के अनुसार शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और वास्तविकता है, तो इसका आशय यह है कि यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या को क्यों नहीं समझा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या नहीं समझा होगा, क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, जो टोटल 20 क्वेश्चन है, वो सब मैथ से संबंधित है। इसका मैं जो है PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर की है। अब आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता जो थे उनका नाम था इंद्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, कौन थी? आंसर इसका हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ये जो है 1236 से लेकर 1240 तक जो है रही थी। धन निष्कासन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? धन निष्कासन का विरोध जो है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे राइट आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। इनमें से किसी ने भी धन निष्कासन का विरोध नहीं किया था। धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का जो है अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1925 में बनी थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। और ये कानपुर की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, कानपुर की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं, बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्हें बताना है कि सबसे पहले कौन हो, इसके बाद कौन हो, उसके बाद कौन हो, फिर सबसे लास्ट में कौन। तो इसमें से अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हुआ था वो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हुआ था सबसे पहले वो हुआ था चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 में घटित हुआ था। इसके बाद खेड़ा हुआ 1918 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा जो है 1939 में दिया था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगची नदी। क्या क्या नाम है? यांगची नदी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, भी याद रखिएगा, चीन में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करना है, इनमें से देखते हैं क्या मिलान करना है। पर्वत श्रृंखला दिया गया है और महाद्वीप दिया गया है। ठीक है, देखिए हिमालय जो पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर है, तो ये जो है एशिया में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, एशिया में। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंतर्गत अंत तक जो है स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था कोयला भंडार के मामले में? तो कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक दुनिया में भारत का जो है पांचवा स्थान था। ठीक है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं? तो भारत का वो शहर है मदुरई शहर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर की राजधानी क्या है? गांधीनगर जो है किसकी राजधानी, किस राज्य की राजधानी? तो गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ये योजना आयोग के द्वारा बनाया गया था। आंसर सी पार्ट बनाया जाता था। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो है ये RBI को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं। सेज का पूर्ण रूप क्या है? SEZ, इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है,
हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो हरित क्रांति की सफलता जो थी वो इसमें अगर देखा जाएगा तो रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्चतम पैदावार किस्म और उपयुक्त सभी, तो इसमें राइट आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती थी। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में जो है CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में अगर CBS में सी का बात करेंगे तो कोर होता है, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, कोर। ठीक है, CBS में कोर बैंकिंग सोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अगर बी का पूछा जाएगा तो बैंकिंग हो जाएगा, और अगर सी का पूछा यस का पूछा जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और सी का क्या हो जाता है, कोर हो जाता है। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? तो ये आता है जो है समता के अधिकार में, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, और ये 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद इसके तहत दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये होता है 5 वर्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद है 153। ठीक है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, इसी के तहत जो है 9 का 9 के जो है जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। समय का एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक समय का क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है ये तांबा और टिन इसमें मिला हुआ होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो आवर्त सारणी जो है ये सर्वप्रथम दिमित्री मेंडलीव ने दिया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इनमें से तो कोशिका अंग कौन सा है जिसमें आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इसको हिंदी में लैनकाय लिखा है, इसको कहते हैं लाइसोसोम, जो कि ज़्यादा प्रचलित है और यह पूछा भी गया है, लाइसोसोम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? एंजाइम की बात कर रहा है तो एंजाइम जो है टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो लार में मिलता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इसका मैं जो है PDF दे दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरुण का विलोम देखते हैं, हिंदी आ गया, तरुण के विलोम की बात करेंगे तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम होता है वृद्ध। ठीक है, क्या होता है? वृद्ध। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उस बुक के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं असूर्यम पस्या। ठीक है, असूर्यम पस्या उसको कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है? तो व्योम जो होता है ये पीयूष, इसमें से अगर देखा जाए पीयूष क्या है, ये अमृत का पर्यायवाची होता है, जो कि यही नहीं है। ठीक है, बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ, यह सब व्योम के पर्यायवाची हैं। शेर को सवा शेर, इसका अर्थ क्या होगा? शेर को सवा शेर का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दोनों किसकी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? तो ये उपन्यास है, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक 65 के द्वारा दिया गया है, 65 को पढ़िएगा, इसके बाद आंसर देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखेंगे तो एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट है जेनेटिक वेरिएशन के कारण, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, सब सहारा अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लाइनेज इन 200 साल में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 44 राइनोस। ठीक है, 44 राइनोस को जो है लॉस्ट किया है, खो दिया गया है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोर्स हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज एक्सेप्ट, किस सेंचुरीज में जो है सभी जो है राइनोसोर्स जो है लॉस्ट हुए हैं एक के सिवाय, तो वो कौन सा है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेखांश पठन के उपरांत अगर देखेंगे तो आनुवांशिक रूप से इन विशिष्ट व काले गैंडों को आबादी को जो कभी या किसी समय नाइजीरिया, कैमरून, चाड,
इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, मलावी, अंगोला में पाई जाती थी, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या टोटल 20 रह गई है, जो 5 देशों में है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, तंजानिया। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द बताना है। ब्रेक थ्रो का पर्यायवाची क्या होगा, तो ब्रेक थ्रो मीन्स होता है महत्वपूर्ण खोज। ठीक है, क्या होता है, महत्वपूर्ण खोज, इसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण खोज। अब इसका पर्यायवाची हमें बताना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए डिस्कवरी जो दिया गया है यह महत्वपूर्ण खोज से ही संबंधित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, डिस्कवरी। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो इनोवेशन भी होता है, इन्वेंशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि विलोम शब्द बताना है। बोयांट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बोयांट में होता है उत्प्लावक, उल्लसित या प्रफुल्ल या प्रसन्न, इसका विलोमार्थक होता है वेटेड। इसमें देखेंगे तो वेटेड शब्द क्या है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेटेज मीन्स, वेटेड मीन्स भारी या भारित होता है। दिए गए शब्दों में संबंधित शब्द का चयन करना है। कनाडा का ओटावा दिया गया है और क्यूबा का क्या होगा, यानी कि कनाडा की राजधानी जो दिया गया है वो ओटावा होती है जो दिया गया है, तो उसी प्रकार क्यूबा की राजधानी हवाना होती है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा दिया गया है, उसमें डबल को इस तरीके लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को क्या लिखा जाएगा, इसका कोट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर डबल में हम देखते हैं तो जो पहला क्वेश्चन डी है और उसमें पहला जो शब्द वर्ड जो दिया गया है एफ दिया गया है, तो इसमें देखिए दो दो जोड़ते हैं तो एफ आ जाता है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम इसमें दूसरे शब्द में ओ और आर को लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, तीन जोड़ते हैं। ठीक है, तो आर आता है। यू में हम चार जोड़ते हैं तो वाई आ जाएगा। पी में हम क्या है, पाँच जोड़ते हैं तो जी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच जोड़ते जाते हैं तो अगला कोड मिलता जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः इसमें हम जोड़ देंगे तो इसका अगला कोड हमें मिल जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है पहली पहला राज्य बन गया है जो इसकी विधानसभा क्या है, कागज रहित हो गई। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा किया गया, तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है दिनकर गुप्ता, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जून 2022 में जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है, अलग ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सनन ढाका बनी है। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 37वां स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, और ये 2022 का सूचकांक था इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन चलाई गई है, तो जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन जो चली है, भारत गौरव ट्रेन जिसको कहते हैं, ये कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक चलाई गई है, तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, तो पहला जिला की बात करेंगे तो सांबा जिला जो है, इसमें सांबा जिला जो दिया गया है ये पहला जिला बन गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है, तो ये जीता गया है हैदराबाद, और मुंबई भी जीता है। ठीक है, तो भारत के दो शहरों हैदराबाद और मुंबई ने ट्री सिटी ऑफ द खिताब जो जीता है, इससे पूर्व 2022 में हैदराबाद ने सॉरी 2020 में क्या है, हैदराबाद ने जो है खिताब जीता था। ठीक है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट, हैदराबाद। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है, तो उस योजना का नाम है सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की अवधि हेतु जो युवाओं की भर्ती शुरू की गई है, उसका नाम है अग्निपथ योजना, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो कनाडा बन गया है, कनाडा आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
बगदाद की राजधानी क्या है, बगदाद की राजधानी का नाम क्या है, तो वो नाम है बगदाद, इराक की राजधानी का नाम बगदाद है, ठीक है। बगदाद जो है किसकी राजधानी, इराक की राजधानी। चेराव किसका लोक नृत्य है, किस राज्य का, चेराव जो है नृत्य मिजोरम का एक लोक नृत्य है, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं, भूटान की सीमा से लगने वाली साथ जो है भारतीय राज्यों की अगर देखेंगे तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, यानी कि चार राज्य जो है भूटान से लगती हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है पुणे में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेडी विथ लैम्प ये किसे कहा जाता है, लेडी विथ द लैम्प जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं, तो WTO की बात करें तो इसमें जो टोटल 164 सदस्य हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार की बात कर रहा है तो यूक्रेन की है मैरीना वायोजस्का, ठीक है, वियाजोवस्का जो है ये क्या है, फील्ड मेडल्स पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला है, ठीक है। पहली बार ये पुरस्कार ईरान की मरियम मिर्जा खानी को दिया गया था या जीता था उन्होंने। फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जो है भारतीय संविधान अनकही कहानी इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है राम बहादुर राय, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा राम बहादुर राय। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है, तो पराजित किसे किया यह बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने तो जीता है तो इसमें अगर देखा जाए तो मुंबई को पराजित करके जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था पहली बार मध्य प्रदेश के द्वारा, तो आंसर पी पार्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाते हैं। 2022 में इसका दिवस का थीम क्या था, केवल एक पृथ्वी, ठीक है, ओनली वन अर्थ, ये इस वर्ष का थीम था 2022 का, ये याद रखिए ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पढ़कर गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर जो हमें उत्तर देना है। अब गद्यांश इसमें देखते हैं, गद्यांश तो ये चीजें दी गई हैं, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और पद्यों से बना है, ठीक है। आध्यात्मिकता शब्द जो है उपसर्ग और पद्यों की बात कर रहा है। देखिए आध्यात्मिकता में जो है अधि तथा एक दो उपसर्ग हैं, जब और जो इसमें प्रत्यय जो है ता है, ठीक है, इसमें अधि उपसर्ग है और क्या है एक उपसर्ग, तो उपसर्ग है और ता जो है एक प्रत्यय है, तो अधिकता, अधिकता जहाँ पर होगा अधिकता तो वही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएंगे जो सेवक वृत्त अपना कर परहित करते रहेंगे, ठीक है, जो सेवक वृत्त अपना कर परहित करते रहे, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कठोर सत्य किसे कहा गया है, कठोर सत्य क्या किसको कहा जाता है, तो गद्यांश के अनुसार भौतिक शरीर की नश्वरता को जो है कठोर सत्य कहा गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या जीने क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, तो निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों के नाम अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की आवश्यकता बताई गई है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें, तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 76 से जो है 80 तक क्वेश्चन भी एक पैराग्राफ से है, 65 से है, तो 65 को पढ़ेगा, इसके बाद आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई जो है पसंद है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं ये माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का समय बहुत नष्ट होता है, नहीं इससे लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन गलत है इनमें से, तो गद्यांश के अनुसार अगर हम इसमें देखेंगे तो समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, गलत है, ठीक है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे
तो शिक्षा व्यवस्था जो गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, बाधक के रूप में। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो गीत कविता बारे में जो है, इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे, ये जो है कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही है। ठीक है, बाकी इसमें 80 से 85 क्वेश्चन तक मैथ के क्वेश्चन है, PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको लगाइएगा। हम इसमें GK और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार की बात करेंगे तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। त्रिपिटक की पुत्र पवित्र पुस्तकें, त्रिपिटक जो है किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। बाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, सॉरी पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वो था गोपाल, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन बना? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश जो था वो गुलाम राजवंश बना, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज के काल में शासनकाल में मंत्रिपरिषद को जो है अष्ट प्रधान के रूप से जाना जाता था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। 1867 में बम्बई में स्थापना किया था। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? काकोरी षड्यंत्र मामला जो है ये हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925 को, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना किया था? तो फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1939 में, 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से जो है इन्होंने अध्यक्षता त्याग पत्र दे दिया, और इसके बाद फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में जो है स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चित्तरंजन दास की भूमिका थी, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये शांत घाटी में मिलती है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ये स्थान का नाम क्या है? तो वो स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? इसमें से अगर देखेंगे तो उसके आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे ज़्यादा चमकीला है इनमें से। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम है लेक सुपीरियर, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है, और ये जो है इसके बाद दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था राज कृष्णा के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र में तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, तो ये अधिकतर पाई जाती है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, आंसर ए बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% रहने का अनुमान है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। संविधान के 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, पंचायतों को निर्देश किया जाने वाला कार्य निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है? तो इस संविधान के संशोधन के द्वारा अगर देखा जाएगा तो 11वीं सूची इसमें वर्णित किया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि जिसमें क्या है 29 विषयों का वर्णन किया गया है। यदि सरकार राज्यसभा से पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो कोई प्रभाव नहीं होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है इनमें से?
तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भी पाठ हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, बाकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका यह होना चाहिए। लोकसभा का वो सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्जित हो यही ये भी आहरित हो ये भी सही हो ये होना चाहिए। वो भारत का नागरिक हो ये भी आवश्यक है, लेकिन पढ़ा लिखा कोई आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकार, भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग पाँच मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सा गलत सुमेलन दिया गया है, तो वो है पांचवा, भाग पाँच मूल कर्तव्य डी पार्ट। ठीक है, अगर हम इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग चार के पश्चात भाग एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग चार ए, जिसमें नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का जो है समाविष्ट किया गया था, तो इसलिए जो है आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, क्या सीमा रखा गया है? तो न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है सी पार्ट, 25 वर्ष। न्यूटन का पहला नियम किसके और अन्य रूप में भी जानते हैं? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में अथवा गतिज अवस्था में तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसे और नाम से जानते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो इसमें अगर हम देखा जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लिथियम के क्या होते हैं समान गुण होते हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो मुख्य प्रोटीन पाया जाता है वो है कैसीन। ठीक है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के। ठीक है, उत्तरायण का विलोम क्या है? उत्तरायण का विलोम पूछा गया है, तो उत्तरायण के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वो स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया उसको लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको हम एक शब्द में कहते हैं प्रोषित पतिका। ठीक है, प्रोषित पतिका। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची कुलंकसा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी हंस सुता अर्कजा कृष्णा ये सब यमुना के पर्यायवाची है। ठीक है, सूरतनया भी यमुना के ही पर्यायवाची है, कुलंकसा जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रयोजन का नियोजन जो शब्द लिखा हुआ है ये जो है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होता। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होता है बहि प्लस कार। ठीक है, बहि प्लस कार, आंसर सी पार्ट हो जाएगा बहिष्कार। ठीक है, अब 41 से 45 जो है ये 65 के अनुसार दिया गया है, अब इसके आंसर देखते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट सी वांट टू हाइड? अब इस 65 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ज्ञात होता है कि एक महिला ने कबाड़ी बाजार यानी कि फ्ली मार्केट में से जो कोट $9.99 में खरीदा था उस पर क्रिश्चियन बोयर का लेबल जो है लगा हुआ है, और परंतु उस महिला ने बाजार से घर पहुंचने पर उस लेबल को कोट से अलग कर दिया, क्योंकि उस लेबल के उसके मालिक को उस कोट का अमूल्य का अथवा सस्ता कम कीमत होने वाला पता चल जाता। तो विकल्प इसमें बी पार्ट से हो जाएगा, दैट इट वाज ए चीप कॉपी। ठीक है, दैट इट वाज ए चीप कॉपी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथर वुड प्रेफर टू बी सीन वेयरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथेज एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसे ज्ञात होता है कि लेखक जो है अपने मालिक यानी बॉस के समक्ष अन्य किसी लेबल अथवा ब्रांड के कपड़े पहनकर तो जाना पसंद करते हैं, परंतु क्रिश्चियन बोर्ड लेबल के कपड़े पहनकर नहीं, अतः इसमें डी पार्ट हो जाएगा, दोज विद द क्रिश्चियन बोर्ड लेबल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया तो एक्सेप्ट यही हो जाएगा। व्हाई इज हर बॉस एंग्री? ठीक है, उसका बॉस क्यों एंग्री हुआ? तो इसके उपरांत अगर आप पढ़ेंगे गद्यांश तो उसमें यह होता है कि काम पर विलंब से आने के कारण जो है कर्मचारियों के रवैये से कंपनी का मालिक क्रोधित होता है, तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयज आर कमिंग टू लेट। ठीक है, लेट टू वर्क। गिव्स सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि पर्यायवाची बताना है, अमेबल का पर्यायवाची बताना है। तो अमेबल का मतलब होता है सर्वप्रिय। ठीक है, अमेबल का मतलब क्या होता है? सर्वप्रिय। तो इसमें देखिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अमेबल का पर्यायवाची हो गया फ्रेंडली। ठीक है, इसमें फ्रेंडली जो दिया गया है आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, मित्रवत। ठीक है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। गिव्स एंटोनिम्स यानी कि विलोम, एम का विलोम बताना है, एम का एम मिस लक्ष्य होता है, तो इसका अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो पर्पज हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें बताना क्या, एंटोनिम्स बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्पज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
संबंधित शब्द का चयन करना है गूगली, जैसे क्रिकेट से संबंधित है वैसे गैम्बिट किससे संबंधित है, तो गैम्बिट जो है शतरंज से प्रयुक्त शब्द है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा शतरंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से किसी न किसी एक तरह समान और एक असमान है, तो असमान शब्द बताना है कौन सा, इसमें सहनाई, सैक्सोफोन, बांसुरी, मैंडोलिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा मैंडोलिन। मैंडोलिन जो है ये क्या है, ये इन तीनों से अलग है, बाकी तीनों एक प्रकार के सेम है। ठीक है, क्योंकि सहनाई, सैक्सोफोन और बांसुरी जो है फूंक कर बजाया जाने वाले यंत्र हैं, जबकि मैंडोलिन जो है वो एक स्ट्रिंग आधारित वाद्य यंत्र, इसलिए गलत हो जाएगा। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विम्बलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता गया सर्बिया के नोवाक जोकोविच के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हो पाइवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया है, तो ये जो है कैंसर का पता लगाने के लिए जो पाइवोट वैज्ञानिक विकसित किया गया है ये मद्रास IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास जो कि ए पार्ट में दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रतले विद्युत जल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में जो है रतले विद्युत परियोजना का निर्माण जो है ये किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया जा रहा है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में जो है शामिल किया गया है, तो ये गोयता गोपीनाथ को शामिल किया गया है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत ये कहाँ पर किया गया, तो ये शुरुआत किया गया ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जोरहाट असम में। ठीक है, जोरहाट कहाँ पड़ता है, असम में। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है, तो नए शेरपा का नाम है नीति आयोग के पूर्व CEO थे अमिताभ कांत। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर देखेंगे 2022 में तो 180 देशों में 150वां स्थान है भारत का, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष पहला स्थान है नॉर्वे, पहला स्थान कौन सा है, नॉर्वे। ठीक है, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ, क्वाड समूह में कौन सा देश इनमें से शामिल नहीं है, तो क्वाड सम्मेलन में अगर देखेंगे तो 4 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह डी पार्ट हो जाएगा। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ, चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है, तो चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में जो आसानी निर्मित हुआ, इस चक्रवात का नाम श्रीलंका के द्वारा रखा गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इसमें से शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, तो देखिए कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, ये तीनों क्या है, ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य, लेकिन भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, ये लोक नृत्य है पंजाब का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान का नंबर आता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विवेकानंद राक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, विवेकानंद राक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रीय कहाँ पर स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन को मिलान करना है, अमजद अली खान और इसके बाद अली हुसैन, इसके बाद है हरिप्रसाद चौरसिया और अल्लाह रखा। ठीक है, ये किस किस यंत्र से संबंधित है, क्या क्या बजाते थे, तो अमजद अली खान जो है सरोद वादक थे। ठीक है, अली हुसैन जो थे ये सहनाई बजाते थे, और हरिप्रसाद चौरसिया जो थे ये बांसुरी वादक थे, और अल्लाह रखा जो तबला वादक, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें हो जाएगा, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है, इंडोनेशिया की मुद्रा पूछा गया, तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया, तो इंटरनेशनल 2022 ये गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया था, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। इन्हें जो है टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, तो उसको जो है, या रेत समाधि इसको हिंदी में कहते हैं, उसके लिए दिया गया था। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसमें रियल मैड्रिड ने जीता था। ठीक है, जून 2022 में अबू धाबी UAE में आयोजित 22वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार
की घोषणा किया गया। तो उसमें जो है यह हुआ था, इस समारोह फिल्म में जो है शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह 7 जून को मनाते हैं हर वर्ष। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर देते हैं। आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखते हैं। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, किन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, तो इसका आंसर गद्यांश के प्रारंभ में ही दिया गया है कि उन लोगों को लघु उद्योग कहते हैं जो कम साधनों में शुरू किया जाता है, कम साधनों से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है, मशीनीकरण से तात्पर्य होता है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लघु उद्योगों के प्रसय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी, तो गांधी जी की धारणा थी कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योगों के धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार प्रसय शब्द का क्या भाव है, प्रसय शब्द क्या होता है, प्रसय मीन्स संरक्षण देना। ठीक है, प्रसय मीन्स संरक्षण देना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब अगला भी 75 से लेकर 80 तक जो है क्वेश्चन, ये भी गद्यांश के अनुसार ही। मेरे वतन के लोगों इस गीत के बारे में क्या गलत है, मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र ने जो है संगीत दिया, लता मंगेशकर ने सुर दिया, प्रदीप नीलकंठ, इसमें से क्या एक चीज़ें गलत है इसके बारे में, तो मन्ना डे ने जो सुर दिया यह गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था, क्या न रहने के कारण था इसमें से, तो देखिए भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने के कारण हजारों युवकों का शहीद होना था, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी, तो इस गद्यांश के अनुसार रक्षा मंत्रालय को गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करने की सूचना दिया गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीठ में छुरा भोंकना इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ होता है विश्वासघात करना। ठीक है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने के लिए क्यों निर्णय लिया गया, इस गद्यांश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसलिए निर्णय क्योंकि भीड़ को जुटाने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब 80 से लेकर 85 तक, इसके बाद 90 तक क्वेश्चन सब क्या है, मैथ के हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पर। और अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4।